हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यूज़ कॉन। सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बोंडा, जो नवरात्रों में खाया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किस तरह आलू बोंडा बनाने के लिए मैंने 5 आलू लिए हैं। इसे हम मैश कर लेंगे। ये आलू अब मैश हो चुके हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी ये डाल देंगे। आप रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में तो सरसों के तेल का इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए घी या रिफाइंड का इस्तेमाल ही करें, या फिर कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं आप। अब इसमें 1/2 स्पून जीरा डालें, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, 1/2 स्पून अदरक डालें, 1/2 स्पून मैश किए हुए आलू भी डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स करें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालें, 1/3 भुना हुआ जीरा पाउडर डालें, 1/4 टेबल स्पून थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसको भी बीच में मिक्स कर लें। अब हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसके छोटे छोटे, अब हमारा मिश्रण ठंडा भी हो चुका है, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। हमारे बोल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में 2 से 3 चम्मच कुट्टू का आटा ले लेंगे, थोड़ा सा नमक डालें इसमें, नमक थोड़ा सा ही डालें क्योंकि आलू में भी हमने नमक डाला हुआ है। थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डालें, थोड़ा सा और भुना हुआ जीरे का पाउडर डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लें। इस तरह का घोल तैयार कर लें। अब एक आलू का बॉल ले लें और उसे बीच में डिप कर लें अच्छे से। मैंने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, अब इसे हम उसमें डाल देंगे। सारे बॉल्स इसमें डाल दें और उसे फ्राई कर लें अच्छे से। अब हमारे आलू बोंडा सर्व करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।